सर सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत इस तरह का बेहतरीन अवार्ड मिलना, हाल ही में 100 एपिसोड भी कंप्लीट हुए, ऑसम। क्या कहना चाहोगे? एक एक बहुत खुश हूँ, 100 एपिसोड की 22 मैंने आपको नहीं दी, बहुत अच्छे से दी थी। और यस, ये अवार्ड इज मेरे हैपी मोस्ट लाइक पर्सनालिटी ऑफ द इंडस्ट्री, आई थिंक इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ कि जब भी आपके काम को मैंने प्रभावित किया जाता है। एंड दादा साहब फाल्के अपने आप में इतने बड़े नाम है पद्म सिनेमा के, उनके नाम से अवार्ड मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू आप सबसे इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू दादा साहब जो आइकन अवार्ड है उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस किताब से नवाजा। दीपिका मैम काफ़ी खुश हुई, क्या कहना चाहोगे? दीपिका मैम भी आए, आप सच अ प्राउड मोमेंट, मतलब मैंने देखा बहुत ज़्यादा, क्यों नहीं, क्योंकि वो हमेशा कोई भी अचीवमेंट नहीं होता, कहीं ना कहीं ओके। आखिर में आप अपने फैंस से एक लवली मैसेज। थैंक यू सो मच, आई लव यू। सर सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत इस तरह का बेहतरीन अवार्ड मिलना, हाल ही में 100 एपिसोड भी कंप्लीट हुए, ऑसम। क्या कहना चाहोगे? एक एक बहुत खुश हूँ, 100 एपिसोड की 22 मैंने आपको नहीं दी, बहुत अच्छे से दी थी। और यस, ये अवार्ड इज मेरे हैपी मोस्ट लाइक पर्सनालिटी ऑफ द इंडस्ट्री, आई थिंक इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ कि जब भी आपके काम को मैंने प्रभावित किया जाता है। एंड दादा साहब फाल्के अपने आप में इतने बड़े नाम है पद्म सिनेमा के, उनके नाम से अवार्ड मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू आप सबसे इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू दादा साहब जो आइकन अवार्ड है उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस किताब से नवाजा। दीपिका मैम काफ़ी खुश हुई, क्या कहना चाहोगे? दीपिका मैम भी आए, आप सच अ प्राउड मोमेंट, मतलब मैंने देखा बहुत ज़्यादा, क्यों नहीं, क्योंकि वो हमेशा कोई भी अचीवमेंट नहीं होता, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जाऊँ उसी की वजह से, फैमिली की वजह से, ओके। आखिर में आप अपने फैंस से एक लवली मैसेज। थैंक यू सो मच, आई लव यू।